हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन द लैंड ऑफ लिलीपुट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, A1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन है एक दो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, हाउ पीपुल डिफर इन अपीयरेंस, कैसे लोग अलग होते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखाई देने में, प्रतीत होने में, दिखाई देने में कैसे अलग लगते हैं, एंड और बॉडी और शरीर में कैसे अलग दिखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में, शरीर के स्ट्रक्चर में कैसे अलग दिखते हैं। दिए हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं दैट जो दैट कैन बी यूज्ड, जिसका यूज किया जा सकता है टू डिस्क्राइब वर्णन, डिस्क्राइब करने में, वर्णन करने में, पीपुल डिस्क्राइब, पीपुल मतलब लोगों को डिस्क्राइब करने में, लोगों को वर्णन करने में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, उनके हाइट के आधार पर, हाइट के बेसिस पर, एंड वेट, और वेट के बेसिस पर, वेट के मतलब उनके वजन के आधार पे, और हाइट के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे। देखिए वर्ड्स दिए गए हैं, इनको छाटना है, हाइट और वेट के अनुसार से इन वर्ड्स को छाटना है। इसका आंसर इसमें लिखना पॉसिबल नहीं था पीडीएफ पर, तो इसका आंसर एमएस वर्ड में हम लिखे हैं। फर्स्ट देखिए, हाइट में आपका ड्वार्फ हो जाएगा, टिन्नी हो जाएगा, आपका एल्फ हो जाएगा, टॉल, ड्वार्फ मीन्स भी होता है बौना, टिन्नी मीन्स भी होता है छोटा, ये सब हाइट से रिलेटेड वर्ड है। एल्फ मतलब भी होता है बौना, टॉल मतलब लंबा, ये भी हाइट से रिलेटेड वर्ड है, शॉर्ट मतलब छोटा या नाटा, जाइंट मतलब विशाल, सब हाइट से रिलेटेड है वर्ड्स। और ये देखिए थीन, वेट से अगर पतला होगा तो उसका वेट कम होगा, ये थीन, स्लिम मतलब भी पतला होता है, लीन मतलब भी कमजोर या पतला होता है, ओबिज मतलब थोड़ा मोटा होता है, प्लम्प मतलब थुलथुला, स्टाउट, इस तरह से ये सब वर्ड आपके वेट से रिलेटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है कि लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर, निम्नलिखित, फ्लोइंग मीन्स निम्नलिखित पिक्चर को देखें, एंड डिस्कस, और डिस्कस करें विथ योर पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, बातचीत करें। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, टू द मैन, उस आदमी के साथ क्या हो रहा है, लाइंग जो पड़ा हुआ है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, तो ये आपका ये डिस्कस करना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द मैन इन द पिक्चर, तस्वीर में जो आदमी, गिवन एबव जो नीचे ऊपर दिया गया है, टेल्स मतलब कहता है, यू मतलब आपसे, हिज स्टोरी अपना कहानी, यह आदमी जो पड़ा हुआ है वह कहता है आपसे स्टोरी। रीड टू नो, पढ़ें जानने के लिए, हाउ राइट कितना सही, योर गेस आपका अंदाजा, आवाज मतलब था, इस तरह से इस स्टोरी को तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, A4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्क इन पेयर, पेयर मतलब जोड़े में वर्क करें, फाइंड आउट द मीनिंग, मीनिंग फाइंड आउट करें मतलब खोजें, प्राप्त करें, ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित वर्ड्स का, फ्रॉम योर डिक्शनरी, अपने डिक्शनरी से। इसका भी आंसर हम आपको लिखे हैं एमएस वर्ड में। देखिए वायलेंट का आपका हिंसा होता है, इसका अग्रेसिव हो जाएगा, सिनोनिम एक तरह से लिखना है। विरक्ट मतलब टूटा हुआ, विरक्ट मतलब टुकड़े टुकड़े, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका वह सिनोनिम्स। वेरी टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। विक्ट्री विजय, विन मतलब ही जीतना होता है, जीत। जाइंट मतलब विशाल, ह्यूज मतलब ही बड़ा होता है, इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपने रीडिंग के आधार पर, ऑफ द स्टोरी कहानी के रीडिंग के आधार पर, एंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, एंसर दें निम्नलिखित क्वेश्चन का, फ्लोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज गुलिवर फ्रेंटेनेड, व्हाई वाज गुलिवर फ्रेंटेनेड मतलब क्यों गुलिवर डरा हुआ था, व्हेन जब ही वोक अप, जब वह जगा, तो इसका आंसर होगा
गुलिवर वाज फ्रेंटेनेड, गुलिवर मतलब डरा हुआ, भयभीत था, डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड, उसने पाया हिज लेग, अपने पैरों को, एंड हैंड्स और हाथों को टाइट मतलब बंधा हुआ, काउंटलेस अनगिनत लिटिल छोटे छोटे आदमी मैन, काउंटलेस लिटिल मैन छोटे अनगिनत जिसे गिना नहीं जा सकता है, काउंटलेस छोटे छोटे आदमी, हैड सराउंडेड मतलब घेरे हुए थे ही मैंने उसको, इसलिए वह डरा हुआ था। व्हाई डिड द लिलिपुटियंस टाई अप गुलिवर, लिलिपुटियंस क्यों गुलिवर को बांध दिए, टाई अप मतलब कर दिए मतलब क्यों बांध दिए, लिलिपुटियंस गुलिवर को क्यों बांध दिए, इसका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का, द लिलिपुटियंस टाइड अप, लिलिपुटियंस बांध दिए गुलिवर, टाइड अप गुलिवर मतलब गुलिवर को बांध दिए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट लुकिंग, क्योंकि वह नहीं दिख रहा था, लाइक हिम उनके तरह नहीं दिखाई दे रहा था, उनके जैसा नहीं लग रहा था देखने में, ही वॉज नॉट लुकिंग वह नहीं दिख रहा था, लाइक हिम उनके तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड लेम्यूल गुलिवर रीच लिलीपुट, लेम्यूल गुलिवर कैसे पहुंचा लिलीपुट, लेम्यूल गुलिवर कैसे लिलीपुट पहुंचा, आंसर होगा इसका आंसर होगा ए पावरफुल स्टोर्म, एक ताकतवर तूफान, व्रेक्ट मतलब तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, हिज शिप उसके जहाज को, ही फाउट वह लड़ा, अगेंस्ट द स्टोर्म तूफान के अगेंस्ट तूफान के खिलाफ, एंड स्वाम और तैरा, फॉर मेनी डेज कई दिनों तक, एंड नाइट्स और कई रातों तक मतलब तैरता रहा, लकली भाग्य से ही रिच्ड पहुंचा द सी शोर समुद्र के, सी शोर मतलब समुद्र के तट पर, ऑफ लिलीपुट लिलीपुट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है, द एम्पायर वाज वाइज, राजा बुद्धिमान था, एंड फ्रेंडली था और मतलब दोस्त जैसा था, डू यू एग्री क्या आप सहमत हैं, गिव रीजन कारण दे, इसका आंसर होगा यस हाँ आई एग्री मैं सहमत हूँ, दैट की द एम्पायर वाज वाइज, एम्पायर बुद्धिमान था, एंड फ्रेंडली और फ्रेंडली था मतलब दोस्त जैसा था, दोस्त जैसा व्यवहार करने वाला था, ही ट्रस्टेड उसने ट्रस्ट किया गुलिवर, गुलिवर पर विश्वास किया, एंड मेड हिम और उसे बनाया हिज फ्रेंड अपना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाई वाज एम्पायर सैड, एम्पायर क्यों उदास था, एंड वरीड और चिंतित था, आंसर होगा इसका द एम्पायर वाज सैड, एम्पायर मतलब सम्राट यानी कि राजा उदास था, एंड वरीड और चिंतित था, बिकॉज क्योंकि हिज किंगडम क्योंकि उसका राज्य, हैड बीन अटैक्ड मतलब उसके राज्य पर अटैक किया जा चुका था, बाय देयर इनेमीज उनके शत्रुओं के द्वारा, ब्लिफिस्कन उनके शत्रु ब्लिफिस्कन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डिड गुलिवर बिकम ए नेशनल हीरो, कैसे गुलिवर बन गया एक नेशनल हीरो, गुलिवर कैसे बन गया एक नेशनल हीरो, एक राष्ट्रीय हीरो, आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, गुलिवर बिकेम गुलिवर हो गया बन गया ए नेशनल हीरो, एक नेशनल हीरो, एज क्योंकि ही वेरी वाइजली उसने बहुत ही बुद्धिमता से कैप्चर मतलब कब्जा किया द ब्लिफिस्कन्स वारशिप्स, ब्लिफिस्कन्स के युद्ध करने वाले जहाजों को, ब्लिफिस्कन के युद्ध करने वाले जहाजों पर बहुत ही बुद्धिमता के साथ, वेरी वाइजली वो बहुत ही बुद्धिमता के साथ कैप्चर किया द ब्लिफिस्कन्स वारशिप, ब्लिफिस्कन के वारशिप पर, ब्लिफिस्कन के युद्ध करने वाले जहाजों पर, एंड
ब्राउट विक्ट्री और विजय लाया, ब्राउट मतलब लाया, विक्ट्री मतलब विजय लाया फॉर लिलीपुटियंस, लिलीपुटियंस के लिए, लिलीपुटियंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट को पढ़ें, मैं सारांश जो दिया हुआ है स्टोरी का, सेंटेंस एक सेंटेंस बीच में से कहीं से उठा करके मतलब उसको पढ़ें, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ें। गिवन बिलो, दिया गया है नीचे, एंड आंसर और आंसर दें द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का दैट फॉलो, जो फॉलो करता हो। तो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आई सॉ दिस, मैंने देखा इसे एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में, सबसे बढ़िया चुनौती के रूप में, टू रीपे मतलब पुनः देने का द इम्पेरर राजा को, फॉर हिज काइंडनेस उसके काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, एंड फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप के लिए। तो इस पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अपॉर्चुनिटी इज बीइंग रेफर्ड, कौन सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, मतलब कौन सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला जा रहा है, टू हेयर मतलब यहाँ पर। आंसर होगा व्हेन द ब्लिफस्कंस डिक्लेयर्ड, जब ब्लिफस्कंस ने घोषणा किया वार मतलब युद्ध का, ऑन द लिलीपुट, लिलीपुट पर। तो इसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, इसी अपॉर्चुनिटी को रेफर किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गुलिभर प्लान, गुलिभर ने कैसे प्लान किया, टू पे मतलब देने का, बैक मने वापस, द इम्पेरर इम्पेरर को, फॉर हिज काइंडनेस उसके दयालुता के लिए। आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का, ही कैप्चर, उसने कब्जा किया, कैप्चर किया द विलिफस्कंस वारशिप, विलिफस्कंस के युद्ध वाले जहाजों, युद्ध करने वाले जहाजों के ऊपर, एंड हेल्प हिम और हेल्प किया, मदद किया, इन द क्राइसिस मतलब संकट में, इन दिस वे इस तरीके से, गुलिभर, गुलिभर प्लान, प्लान किया, प्लान तो गुलिभर ने प्लान किया, टू पे मतलब देने का, बैक मने वापस, द इम्पेरर इम्पेरर को, फॉर हिज काइंडनेस उसके दयालुता के लिए, काइंडनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिटी ऑफ गुलिभर, गुलिभर का क्या क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड मतलब प्रतिबिंबित किया जाता है, किस क्वालिटी को प्रतिबिंबित किया जाता है, इन द अबव लाइन ऊपर के लाइंस में हुआ है। इसका आंसर होगा गुलिभर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, गुलिभर के एहसानमंदी की समझ, गुलिभर के कृतज्ञता बोल सकते हैं, जो कृतज्ञता का समझ है या एहसानमंदी या आभार, गुलिभर के आभार का जो समझ है, भावना है, इज रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्ट करता है, गुलिभर के एहसानमंदी या आभार के समझ को रिफ्लेक्ट करता है, इन द अबव लाइन, अबव लाइन ने, अबव लाइन जो ऊपर जो लाइन दिया गया है, वह गुलिभर के समझ ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार या कृतज्ञता के जो समझ है उसको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द बॉक्सेज गिवेन बिलो, लुक मतलब देखें एट द बॉक्सेज, बॉक्सेज को गिवेन बिलो जो नीचे दिया गया है, इच बॉक्स कॉन्टेंट्स एन इवेंट, प्रत्येक बॉक्स रखता है एक इवेंट रखता है मतलब एक घटना, टेकन फ्रॉम द स्टोरी जो कि स्टोरी से लिया गया है, द ऑर्डर ऑफ दिज इवेंट्स, इन इवेंट्स का जो ऑर्डर है इज इन जंबल, जंबल में है मतलब मिक्स है, राइट 1 2 3 1 2 3 लिखें, इन द सर्कल, सर्कल में, अटैच टू द बॉक्सेज जो कि बॉक्सेज से अटैच है, एज पर द सीक्वेंस जो बॉक्सेज से अटैच हो, एज पर द सीक्वेंस, सीक्वेंस के रूप में, इन विच जिसमें, दे टुक प्लेस मतलब जिसमें वे, टुक प्लेस मतलब रखे हुए, इन द स्टोरी, स्टोरी में टुक प्लेस है मतलब रखे हुए हैं, स्टोरी में जिस तरह से है उस तरह से क्या करना है, लिखना है, राइट 1 2 3। तो आपका ये फर्स्ट होगा,
गुलीवर शिप इज कॉट इन द स्टोर्म, ये आपका फर्स्ट नंबर पे होगा। गुलीवर का शिप, कॉट मतलब पकड़ा गया, इन द स्टोर्म माने तूफान में पकड़ा गया, तूफान में आ गया, तूफान के। सेकंड होगा आपका लकली, भाग्य से गुलीवर सर्वाइव्स, गुलीवर ने सर्वाइव कर लिया, बचाने में अपने आप को सक्षम हो गया, इन मैनेज करने में टू सीम, तैर करके, ये आपका सेकंड नंबर पे होगा। थर्ड नंबर पे होगा गुलीवर वेक्स अप, गुलीवर जगा टू फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को जगा और पाया, ऑन ए बीच, एक बीच पर, वेकअप जगा टू फाइंड हिमसेल्फ और पाया हिमसेल्फ, अपने आप को ऑन ए बीच, एक बीच पर। हिज आर्म्स, उसके हाथ एंड लेग्स, उसके पैर टाइड अप मतलब बंधे हुए थे, ये आपका थर्ड नंबर पे होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे काउंटलेस लिटिल मैन सराउंडेड एंड वॉक ओवर हिम, अनगिनत आदमी सराउंडेड मतलब घेरे हुए, एंड वॉक मतलब चलते हुए, ओवर हिम उसके ऊपर। फिफ्थ नंबर पे गुलीवर इज टेकन टू द एम्पेरर, गुलीवर ले जाया गया राजा के पास। सिक्स नंबर द एम्पेरर ऑफर गुलीवर हिज फ्रेंडशिप, राजा ने ऑफर किया गुलीवर को हिज फ्रेंडशिप, अपना दोस्ती, दोस्त बनने के लिए। और क्वेश्चन ये आपका सेवन नंबर होगा, वन डे एक दिन ब्लिफस्कंस डिक्लेयर, ब्लिफस्कंस ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया वार मतलब युद्ध का, ऑन द लिलीपुट, लिलीपुट। और लास्ट है गुलीवर रीपेज, गुलीवर रीपे करता है मतलब पुनः देता है द एम्पेरर, एम्पेरर्स काइंडनेस, एम्पेरर राजा के दयालुता के लिए, बाय कैप्चरिंग, कैप्चर करते हुए, कब्जा करते हुए द ब्लिफस्कंस वारशिप, ब्लिफस्कंस के युद्ध वाले जहाजों के ऊपर, युद्ध करने वाले जहाजों के ऊपर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, पिक आउट द वर्ड्स, वर्ड्स को चुने फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच मीन द अपोजिट ऑफ द फ्लोविंग, इसका मतलब निम्नलिखित का अपोजिट हो, तो आपका इसका आंसर होगा जाइंट का टीनी, जाइंट तो विशाल, टीनी मतलब छोटा, विस्फर्ड का होगा स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब फुसफुसाना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना जोर से, वीक मतलब कमजोर, कमजोर का हो जाएगा अपोजिट स्ट्रांग, क्रिस मूर्ख, वाइज मतलब बुद्धिमान, फ्रेंड मतलब दोस्त, इनवी मतलब शत्रु, हैप्पी का सैड। तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर नर्व्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू कीप मतलब रखना योर नर्व्स, अपने नर्व्स को, इन टफ सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन में या समय में, मुश्किल समय में, इन लाइफ जीवन में, एट द बिगिनिंग शुरुआत में ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के, गुलीवर फाइंड्स, गुलीवर पाता है हिमसेल्फ अपने आप को, इन ए डिफिकल्ट कठिन अनून मतलब अनजान एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, और अपेक्षा के विपरीत सिचुएशन में, कठिन अनजान और अपेक्षा के विपरीत सिचुएशन में अपने आप को पाता है। हाउएवर फिर भी दे रिएक्ट, वह व्यवहार करता है सेंसिबिलाई मतलब समझदारी से, विथ ए ग्रेट कजन मतलब काफी ग्रेट मतलब काफी सतर्कता के साथ, एंड टर्न्स द सिचुएशन और बदल देता है सिचुएशन को, अपने परिस्थिति को, इन हिज फेवर अपने फेवर में, अपने हित में। हैड यू बीन इन गुलीवर्स प्लेस, अगर तुम गुलीवर के स्थान पर होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड, तो तुम कैसा व्यवहार करते। कैन यू नरेट, क्या आप नरेट कर सकते हैं, क्या आप वर्णन कर सकते हैं, एनी वन इंसिडेंट, किसी एक, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक घटना का, या डिफिकल्ट सिचुएशन का, वेयर जहां पर यू बिहेव, जहां पर आप व्यवहार करते थे इन कंपोज्ड मैनर, काफी रचनात्मक ढंग में, केप्ट रखते थे योर नर्व, अपने नर्व को, अपने नसों को, एंड हैंडल्ड और हैंडल करते थे द सिचुएशन, सिचुएशन को कामली मतलब काफी शांति तरीके से,
तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, हैड आई बीन इन गुलिवर्स प्लेस, अगर मैं गुलिवर के प्लेस पर होता, अगर मैं गुलिवर के जगह पर होता, आई वुड हैव रिएक्टेड, तो मैं व्यवहार करता ऑलमोस्ट लगभग द सेम वे, सेम तरीके से, एज गुलिवर्स हैड रिएक्टेड, जैसा कि गुलिवर ने व्यवहार किया, जैसा कि गुलिवर ने रिएक्ट किया था वैसा ही मैं व्यवहार करता। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर है, इट वॉज ए हॉट समर आफ्टरनून, मतलब गर्मी के मौसम का, दोपहर के बाद का गर्म दिन था। आई वॉज रिटर्निंग, मैं लौट रहा था फ्रॉम द स्कूल से, सडनली अचानक, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, बाय 3 to 4 स्ट्रीट डॉग्स, 3 और 4 गली वाले कुत्ते से घिरा हुआ पाया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने पाया, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ 3 या 4 स्ट्रीट डॉग्स से। आई गेट स्केर्ड, मैं भयभीत हो गया, बिकॉज क्योंकि, मैं डर गया क्योंकि, नो वन कोई नहीं, वाज मतलब था, देयर मतलब वहाँ, टू हेल्प मी, मेरा हेल्प करने के लिए, बट लेकिन सुन जल्द ही, आई बिकेम, मैं हो गया काम मतलब शांत हो गया। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, दैट कि डॉग्स बिहेव, कुत्ते जो होते हैं व्यवहार करते हैं फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, व्हेन जब लव इज सून, जब प्यार मतलब दिखाया जाता है, टू देम मैंने उनको, आई डिड द सेम, मैंने सेम मतलब यही किया, सेम चीज किया, एंड डॉग्स और कुत्ते स्टॉप्ड मतलब रुक गए, बार्किंग मतलब भौंकना बंद कर दिए, रोक दिए। आई केम, मैं आया, होम मतलब घर, सेफली मतलब सुरक्षित घर आया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेजिन यू आर लेमुअल गुलिवर, कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप लेमुअल गुलिवर हैं। आफ्टर एन इवेंटफुल स्टे एट लिलीपुट, लिलीपुट में एक पूरी घटना हो जाने के बाद, द टाइम हैज कम, समय आया है, फॉर यू मैंने आपके लिए, टू रिटर्न वापस आने का, टू योर कंट्री अपने देश, जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू लीव, जब आप लगभग आप मतलब लौट वहाँ छोड़ने वाले हैं लिलीपुट को, यानी कि टू ऑफ द एम्पायर्स मैसेंजर, राजा के दो मैसेंजर संदेशवाहक, हैंड ओवर मतलब आपको देते हैं प्रेजेंट्स देते हैं, एंड ए लेटर और एक लेटर देते हैं, टू यू मैंने आपको, रीड द लेटर्स, लेटर्स को पढ़ें, विच इज गिवेन बिलो, जो दिया गया है नीचे। चलिए इस लेटर को हम लोग पढ़ते हैं, तो लेटर में सबसे पहले आपका एड्रेस वगैरह और डेट वगैरह लिखा जाता है, जो कि लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ देते हैं। डियर लेमुअल, वो राजा इस लेटर को लेमुअल के लिए लिखा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डियर लेमुअल, दिस लेटर कम्स टू यू टू थैंक यू, यह लेटर मतलब है, आता है टू यू आपके लिए, टू थैंक यू मतलब थैंक यू कहने के लिए, फॉर ऑल सभी चीज़ों के लिए, फॉर ऑल दैट यू हैव डन, जो आपने किया, उन सभी चीज़ों के लिए जो आपने किया है, फॉर अस हमारे लिए, ऑल द पीपुल सभी लोग ऑफ लिलीपुट के सभी लोग, विश मतलब चाहते हैं, टू कन्वे मतलब आपको बोलना या संदेश भेजना, संप्रेषित करना, टू यू आपको, दैट की वी शैल ऑलवेज रिमेम्बर, कि हम लोग सभी याद करेंगे, योर फ्रेंडशिप आपकी दोस्ती को, तुम्हारे दोस्ती को हम लोग याद करेंगे, प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रेजेंट्स, कृपया करके हमारे प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, दीज आर एन एक्सप्रेशन, यह एक एक्सप्रेशन है हम लोग तरफ से, ऑफ आवर वार्म लव, हमारे गर्मजोशी भरा प्यार को व्यक्त करने वाला है,
एक्सप्रेशन है, व्यक्त करने वाला है फॉर यू, आपके लिए। डू विजिट अस अगेन, मतलब फिर से आप पुनः विजिट करें, मतलब हमारे यहाँ आए। योर सिंसियरली द एम्पेरर। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, यू ऑल्सो राइट ए लेटर, तुम भी एक लेटर लिखते हो टू द एम्पेरर, राजा के पास। एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस ऑन रिसीविंग द प्रेजेंट्स एंड द लेटर। प्रेजेंट्स एंड लेटर रिसीव करने पर अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट और लेटर को रिसीव करने पर अपना आपके जो आपको जो खुशी हुई उसे व्यक्त करने के लिए। राइट द लेटर, लेटर लिखें टू द एम्पेरर, राजा के पास, इन द स्पेस, स्पेस में गिवन मिले, जो कि नीचे दिया गया है। सबसे पहले लेटर में आप लोग, हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, इस तरह से इतना लिखा हुआ है, बाकी हम लोग को लिखना है। पहले हम लोग चलते हैं वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इस तरह से, यहाँ तक तो लिखा हुआ है एड्रेस वगैरह, यहाँ से आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द प्रेजेंट्स, मैं बहुत खुश हूँ रिसीव प्राप्त करके प्रेजेंट्स एंड द लेटर, और लेटर प्राप्त करके, सेंट फॉर मी, जो कि मेरे लिए जो भेजा गया है, सेंट भेजा गया है फॉर मी, मेरे के लिए। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, मैं इसे बहुत ही डिफिकल्ट पाता हूँ टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना माई हाई फीलिंग, अपने ये जो हाई, उच्च, काफ़ी ज़्यादा जो फीलिंग आ रहा है फॉर यू, आप लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल, मैं भी ग्रेटफुल हूँ, मैंने शुक्रगुजार हूँ टू यू, आप लोगों का, फॉर द प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स के लिए। दे आर सो लवली, वे बहुत ही ज़्यादा लवली हैं, प्यारे हैं, सुंदर हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हर्टियस्ट थैंक्स, कृपया करके स्वीकार करें मेरा दिल से थैंक्स को, मेरे दिल से थैंक्स को। यू शैल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप लोग हमेशा रहेंगे मेरे हृदय में। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा टू विजिट आने के लिए यू, आप लोगों के पास अगेन, मैंने फिर से। थैंक यू, योर सिंसरेली लेम्यूल गुलिवर। इस तरह से आपका ख़त्म हो गया, इस तरह से टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया इस लेसन का। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।